ट्वीन प्रेगनेंसी में कितना वेट गेन करना है, इस पर मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसको एक बार जरूर देखिए। आपको वेट गेन करने के लिए ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, बस आपको अपनी डाइट में चेंजेस लाने हैं एंड आपको तरल पदार्थों का भी प्रॉपर सेवन करना है। जब भी आप मॉर्निंग में उठती हैं तो आप कोशिश करें सुबह फ्रूट्स खा लें एंड उसके बाद में आप एक हेल्दी नाश्ता जरूर करें, जिसमें आप जो है पराठा सब्जी ले सकती हैं या फिर आप पोहा ले सकती हैं या फिर आप चीला खा सकती हैं वेजिटेबल डाल के एंड आप जो है दलिया ले सकती हैं सारी वेजिटेबल मिक्स करके। मतलब आप जो भी नाश्ता लें कोशिश करें हेल्दी से हेल्दी ही हो और ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा वजन बढ़ाने में। और आपको अपनी डाइट में पनीर का सेवन भी बहुत ही अच्छी मात्रा में करना है। ये जो आपका थर्ड ट्राइमेस्टर होता है इसमें आपको भूख कम लगना, गैस, अपच, पेट भरा भरा रहना, ये सारी प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती हैं। आपको सबसे पहला काम जो करना है बहुत ही अच्छी मात्रा में पानी पीना है। आपको पूरे दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी लेना है। यहाँ पे 3 से 4 लीटर पानी से मतलब होता है कि आपको तरल पदार्थों का सेवन करना है, जिसमें आपको एक नारियल पानी डेली लेना है एंड आप जूस पी सकते हैं, आप नींबू पानी ले सकते हैं, आप सिकंजी ले सकते हैं, इस समय गर्मी आ गई है, आप गन्ने का जूस पी सकते हैं और आप मट्ठा एंड दूध इन चीजों का सेवन जरूर करें। कि आपको थोड़ा थोड़ा खाना है, बिल्कुल भी इकट्ठा खाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये जो टाइम होता है इस समय अगर आप थोड़ा थोड़ा लेती हैं तो उसको डाइजेस्ट करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। आपको एक हेल्दी डाइट लेनी है जिससे कि आपको आयरन, कैल्शियम एंड आपको हेल्दी फैट, कार्बोहाइड्रेट, फॉलिक एसिड और प्रोटीन बहुत ही अच्छी मात्रा में मिले एंड इस समय आपको हाई प्रोटीन का सेवन करना है, क्योंकि जो प्रोटीन होता है वो आपका और आपके बेबी का एक बहुत ही हेल्दी वेट गेन करती है। ट्वीन प्रेगनेंसी के दौरान जो प्रोटीन की डिमांड होती है वो 70 से 100 ग्राम तक बढ़ जाती है। इसके लिए आप जो है डेली मेवा, दूध, दही एंड टोफू और पनीर और दालें एंड अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन भी ले सकती हैं। और आयरन की जो डिमांड होती है वो 30 मिलीग्राम तक बढ़ जाती है। इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा पालक है एंड अनार है, रेड मीट ले सकती हैं एंड आप नट ले सकती हैं एंड आप फोर्टिफाइड अनाज भी ले सकती हैं। आपको अपनी डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां एंड आपको सभी दालों का सेवन एंड आप ताजे फलों का भी सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। कि आपको खट्टे फलों का भी सेवन जरूर करना है। खट्टे फलों का सेवन करने से आप जो भी आयरन वाली चीजें खाती हैं तो वो आपकी बॉडी में जो आयरन होता है वो बहुत ही अच्छे से अवशोषित हो जाता है। और आप जो है हेल्थी ड्रिंक भी ले सकती हैं, जिसमें आप बनाना शेक एंड आप मिल्क शेक भी ले सकती हैं। ये भी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे बेबी का वेट गेन करने में। और आपको अपनी डाइट में सलाद की मात्रा को बढ़ा देना है, जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा खीरा है, चुकंदर है, टमाटर है, मूली है, इन चीजों का सेवन करें। और कोशिश करें कि जब भी आप सलाद लें तो उसमें थोड़ा सा नींबू जरूर ऐड करें एंड आपको नमक का भी सेवन सही मात्रा में करना है। आपको अपनी डाइट में ड्राई फ्रूट्स भी जरूर ऐड करने हैं, जिसमें आप काजू, बादाम, अखरोट, गरीब, मखाने इन चीजों का सेवन भी जरूर बहुत ही अच्छे से करें। आप बादाम जो है रात को भिगोकर सुबह बिल्कुल खा सकती हैं, ये आपको बहुत ही ज्यादा फायदा करेगी। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आपको थर्ड ट्राइमेस्टर से ज्यादा अपनी बॉडी को रिलैक्स देना है। आप बहुत ज्यादा काम करने की कोशिश ना करें, आप थोड़ा बहुत काम करके फिर रेस्ट करें, उसके बाद फिर काम करें एंड इसके साथ ही आपको हल्की हल्की वॉक भी जरूर करना है। बस आपको कोशिश ये करनी है कि जब भी आपको भूख लगे आप हेल्दी खाने की कोशिश करें और बिल्कुल भी अनहेल्दी चीजों का सेवन ना करें, क्योंकि अनहेल्दी चीजें सिर्फ आपका ओवर वेट गेन करेंगी और आपके बेबी का वेट इससे बिल्कुल भी गेन नहीं होगा। अगर आप हेल्दी चीजें खाती हैं तो आपका भी हेल्दी वजन गेन होगा और आपके बच्चों का भी गेन होगा। और आपको वेट को लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। लास्ट के जो भी 1 से 1.5 महीने बचते हैं इनमें बहुत ही तेजी से वेट गेन होता है। आप जो है डेली बदल बदल कर खाएं। अब जैसे आपको जब भी भूख लग रही है तो उस समय आप थोड़े मखाने ले लीजिए या फिर आप ड्राई फ्रूट मिक्स करके ले लीजिए या फिर आप जो है थोड़े भुने हुए चने ले लीजिए या फिर आप जो है फ्रूट चाट बना के खा लीजिए। आप इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग डिवाइड करके खा सकती हैं। और आप जब भी खाना खाने बैठें
तो जरूरी नहीं है कि आपको पूरा खाना एक ही बार में खाना है। आप उस समय दाल पी लीजिए, फिर आप थोड़ी देर बाद सब्जी है वो खा लीजिए। आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। और याद रखें कि डेली एक कटोरी दही जरूर खाएं, आपको बहुत ही ज्यादा फायदा करेगा। सारे पोषक तत्व की डिमांड होती है आपकी बॉडी में, वो भी पूरी हो जाएगी और आपका वेट भी बहुत ही आसानी से गेन हो जाएगा। इसके अलावा आपको जो भी डॉक्टर आयरन एंड कैल्शियम एंड फॉलिक एसिड जो भी सप्लीमेंट देते हैं वो आपको रेगुलर करना है। एंड आपको डॉक्टर से पूछ के दूध में कोई भी प्रोटीन पाउडर जरूर ऐड करके पीना है। ये भी आपको वजन बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। आप कोशिश करें पूरे दिन में कम से कम 2 गिलास दूध जरूर पिए, 1 गिलास सुबह एंड 1 गिलास शाम को। अगर आप इतना काम करती हैं तो आपका जो वेट है वो बहुत ही अच्छे से गेन हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।